ये है राजा राम का न्यायपूर्ण दरबार, न्याय दिलाने मात को आए प्रभु के द्वार। उनके राजकुमार तथा गुणों पर मुग्ध होकर श्री राम बोले। रण नायक गायक कुशल युगल बंधु गुण खान, चाहे सब माता पिता तुम जैसी संतान। तुम ये कहते हो कि हो तुम रघुकुल के दीप, हृदय हमारा भी करे अनुभव तुम्हें समीप। हम राजा हैं इसलिए
बिके प्रजा के हाथ, और प्रजा तो मांगती हर प्रमाण साक्षात। यद्यपि हम जानते हैं सिया सर्वथा निर्दोष है, तथापि हम ये कहने को विवश हैं। सिया को होकर स्वयं उपस्थित करना होगा सत्य प्रमाणित, सत्य की शपथ उठानी होगी तभी पुनः महारानी होगी। एक भी उंगली उठे सिया पर नहीं हमें स्वीकार ये प्रियवर, यदि वैदेही उचित विचारे तो ऋषिवर संग यहाँ पधारे। वाल्मीकि को राम ने भेजा यह संदेश, सिया आगमन के यहाँ आकांक्षी अवधेश। ओ पासंदेश तुष्ट है कविवर, नहीं शंका कुछ अपने लिखे पर। ओ कहने से पहले हाँ या ना, ऋषि ने मत सीता का जाना। ओ गुरुवर से बोली वैदेही, आप जनक शुभ चिंतक स्नेही, सीता की ओर से स्वीकारोक्ति मानकर अवध चलना ही उसके लिए हितकर जानकर वाल्मीकि जी ने कहा, हे उचित के राजा के प्रियजन, राजा क्या का सम्मान करें, अब और विलंब न करके अयोध्या नगरी को प्रस्थान करें। सीता के दृगतारों के लिए, रघुकुल के रखवारों के लिए जाना नितांत आवश्यक है, पुत्रों के अधिकारों के लिए। वैदेही भ्रमितों संदिग्धों के चौबारे में आ पहुंची, राघव शशि की चंद्रिका धवल अब अंधियारे में आ पहुंची। सौगंध उठाए बिना सत्य को सत्य कहेंगे लोग नहीं, सहयोग बिना संभव होगा पितु पुत्रों का संयोग नहीं। सब रानी का आगमन बिन बोले गए जान, सिया सुमन की सुरभि ज्यों सबने की आघ्राण, जगे चेतना ज्ञान। नगर में नगाड़े पर आघात करते हुए उद्घोषक ने यह घोषणा की, महाराज राम जी की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल यज्ञ मंडप में जनक नंदिनी सीता अपने मातृत्व की शुद्धता प्रमाणित करने को शपथ ग्रहण करेंगी। सुरेंद्र, नरेंद्र, फणीन्द्र, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, दिक्पाल तथा प्रजाजन जिन्हें भी शपथ श्रवण करनी हो वे अनौपचारिक रूप से सभा में सम्मिलित हो सकते हैं।
यज्ञ स्थल की ओर यूं सीता करे प्रयाण, पूर्णाहुति के हेतु जूं यज्ञ करे आह्वान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सीता गतिमान, समय गतिमान, विद्यमान मंच पर प्रभु प्रतीक्षमान, पग पग बढ़ती हुई आई सिया राम तक, दर्शन विभोर हुई भूली प्रणाम तक। पहुंच गई सिया की दृष्टि राम हृदय कक्ष तक, सरिता ज्यू सिंधु तक, वल्लरी ज्यू वृक्ष तक, पूर्णाहुति देने की लग्न बीती जा रही, आशंका कोई मुनि वशिष्ठ को सता रही। शुभ पर शुभ श्री फल धरे कहे व्यग्र मुनि नाथ, पूर्णाहुति दो यज्ञ की राम सिया के साथ। वर्षों पीछे राम सिया फिर आज निकटतम आए, लज्जा भार से नत है सीता राम भी कुछ सकुचाए। एक दूजे पर पड़ने वाली लोक दृष्टियां टाले, सदा मुखर रहने वाले नीरव आहुतियां डाले। सीता के अंतर में जलती स्वाभिमान की ज्वाला, रोष की ज्वाला में जलते हैं वैदेही के लाला। राम अवधपति अंतर द्वंद की ज्वाला में जलते हैं, मन में प्रजा के संदेहों के अंगारे पलते हैं। शांति पाठ का चल रहा वहां पे मंत्रोच्चा, न शांत लव कुश, न शांत लक्ष्मण, न शांत सीता, न शांत भगवन, न शांत मातः, न शांत गुरुवर, न शांत पृथ्वी, न शांत अंबर, महायज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रतिध्वनित है सामूहिक स्वर। ओम शांति शांति शांति। ओम
जुगल पदाम्बुज पर झुकी करने सिया प्रणाम। ना जाने क्यों चार पग पीछे हट गए राम, कर ना सकी प्रणाम। वास्तव में सीता तुम प्रणम्य मुझको प्रणाम क्यों करती हो, जनमानस की छोड़ो तुम मेरे मानस मध्य विचरती हो। पर शपथ ग्रहण के हेतु सभा में तुमको आज बुलाया है, रख कर तुम पर विश्वास पूर्ण मैंने ये चरण उठाया है। क्या कहा राम ने सुना नहीं, प्रभु के भावों को पढ़ा नहीं, अपने में अंतरलीन सिया विगतागत का कुछ पता नहीं। सीता के कुछ कहने के पूर्व ऋषि वाल्मीकि जी बोल उठे, जो न्याय तुला पर तुल न सकी उसे धर्म तुला पर तोल उठे। मैं वाल्मीकि हूँ, मनु का दसवां पुत्र प्रचेता, सपने में भी मिथ्या संभाषण किया न मैंने। सीता विमला शुद्धा साक्षात महालक्ष्मी है, उसे बिन जांचे आश्रम में आश्रय दिया न मैंने। मैंने जो सहस्रों वर्ष तपस्या विरल करके किए संचित पुण्य नष्ट हो जाएं, वे पल भर में यदि रखने सिय का पक्ष झूठ का आश्रय लूं मैं, यदि सिय की भक्ति न अविचल पाई हो रघुवर में। सीता का प्रेम प्रमाण तुम्हें गौरी से मांगा, सीता का त्याग प्रमाण तुम्हारे हित गृह त्यागा, सीता का शील प्रमाण प्रलोभन पर नहीं डोली, सीता का चरित प्रमाण कितरण की ओट में बोली, किया अग्नि परीक्षा देकर प्रबल सतीत्व प्रमाणित, कितने ऐसे प्रमाण सीता के पक्ष में संचित। हे राम, पूर्व पुरुषों में तुम्हारे सब थे राजन, पर धर्म पत्नियों से प्रमाण का था न प्रयोजन। विधि ने फेंका जीवन में तुम्हारे उल्टा पासा, इसलिए शांत हो तीन प्रमाणों की जिज्ञासा, जान की तनय ये लव कुछ दोनों पुत्र तुम्हारे, स्वीकार करो अपनी संतति कुछ बिना विचारे। ऋषि वाल्मीकि के सम्यक वचन श्रवण कर नतमस्तक हो यूं सादर बोले रघुवर। हे काव्य सृजक युग बोधक धर्म प्रणेता, शत शत प्रमाण हर वाक्य आपका देता। आप जनक जी के समकक्षी, आगम भास्कर भ्रम तम भक्षी, आपके कारण है मुनि राया रही सुरक्षित राम की छाया। ऋषिवर आपके हम आभारी, लव कुश किए धर्म संस्कारी, विदित हमें है देवी सीता निष्कलंक निर्दोष पुनीता। सत्यशील शुचिता सुगुण इनसे सिय संपन्न,
शब्द तो जन जन होए प्रसन्न। शपथ शुद्धता की ग्रहण करे धरे मन धीर, संदेहानल में पड़े समाधान का नीर। उन्नत कर निज भाल, मंथर गति से चल रही, जप रही राम कृपाल, मांग रही बल और कृपा। विधनाशीय से रुष्ट बार बार जांचे उसे, सब जिससे संतुष्ट चली सिया करने वही। खड़ी हुई जब यज्ञ की कर परिक्रमा ती, सतवंती के तेज से रवि शशि हुए मलीन, समय हुआ गतिहीन। ब्रह्मा जी को आगे करके इस अवसर पर इंद्र पधारे, विश्वे देवादित्य मरुत वसु नाग गरुड़ जुड़े ऋषिगण सारे। कौतूहल से भरे बैठे सब, कौतूहल से भरे बैठे सब, कान लगाए नेत्र पसारे। पावनता की शपथ लेने को वैदेही क्या वचन उचारे, ये जिज्ञासा ये हर कोई सीता जी की ओर निहारे। सीता है सतियों की शिरोमणि, शक्तियों का पर्याय है सीता। जिसकी ऋचाएं सत्य सनातन, वेद का वो अध्याय है सीता। सीता गायत्री और गंगा, सीता गायत्री और गंगा, सद्गुण का समुदाय है सीता। तुमसे शपथ का आग्रह करना ये तो बड़ा अन्याय है सीता। पावनता पर प्रश्न उठाना वास्तव में अन्याय है सीता। विधना राजा प्रजा सभी को थी इस दिन की प्रतीक्षा, थी इस दिन की प्रतीक्षा, थी इस दिन की प्रतीक्षा। घोर विवादों अपवादों में जिसकी हुई समीक्षा, जिसकी हुई समीक्षा, जिसकी हुई समीक्षा। राम आराधन करती रही जो राम की लय कर दीक्षा, राम की लय कर दीक्षा, राम की लय कर दीक्षा। वही सती भगवती सिया फिर देने चली परीक्षा, देने चली परीक्षा, देने चली परीक्षा। मन सा वाचा कर्मणा राम का आराधन किया, यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। स्वप्न में भी पर पुरुष का नहीं
और सह पालन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। रामातिरिक्त नामन्य नहीं नहीं सुमिरन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। हृदय स्पंदन ने सदा राम का ही वंदन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। आदि मध्य अवसान बस राघव को अर्पण किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। अपने अंक में शरण